उमर भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। जी हाँ, इस समय कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस पार्टी का भी है, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हुई हार के बाद पार्टी के नेता कार्यकर्ता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कभी हरीश रावत पर हार का ठीकरा फोड़ा जाता है तो कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर हार का ठीकरा फोड़कर उनसे इस्तीफा मांगा जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ कांग्रेस नेता अकील अहमद के साथ, जहां पर अकील अहमद ने आरोप प्रत्यारोप के बीच पार्टी से खुद को निष्कासित करने की मांग की है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट को देखिए। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारतें हर घड़ी खतरे में रहती है। एक वक्त था जब कांग्रेस से बड़ी कोई राजनीति पार्टी नहीं हुआ करती थी, या यूं कहें कि कांग्रेस सभी राजनीतिक इमारतों में सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी। लेकिन अब इसी इमारत को टूट कर गिरने का खतरा मंडरा रहा है। अंतर्विरोध और समाजस की कमी के भूकंप ने इस इमारत में दरार पैदा कर दी है। दरअसल उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में हुई हार के बाद अब कांग्रेस पर हार का ठीकरा सभी नेता एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी के हर एक सदस्य की अपनी एक अहम भूमिका होती है और उस अहम भूमिका के साथ एक अहम जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन हार के बाद अब कांग्रेस में सभी नेता हार का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहरा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता अकील अहमद ने खुद को पार्टी से निष्कासित किए जाने की मांग की। बता दें उत्तराखंड में मुस्लिम विश्वविद्यालय की मांग करने के बाद अकील अहमद सुर्खियों में आए हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया था। वहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का ठीकरा अकील अहमद पर फोड़े जाने से वो पार्टी से काफी नाराज है। उन्होंने कहा कि अगर उनके निष्कासन से पार्टी को संजीवनी मिल जाती है तो वो निष्कासन की तैयारी कर ले। वही अकील अहमद ने विधानसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की थी। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से हमलावर दिखे और कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना दिया। ऐसे में अब हार के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस मुद्दे को हार का बड़ा कारण मांग रहे हैं। वही अकील अहमद ने कहा कि पूर्व सीएम हरीश रावत और निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बयानों से आहत हो। हरीश रावत कह रहे हैं कि उनकी बेटी को हराने के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया गया, कि जब सहसपुर से मैंने नामांकन किया तो मुझे बिठाने के लिए मोहन प्रकाश आए थे। मैंने पार्टी के समक्ष सहसपुर में अस्पताल, डिग्री कॉलेज, मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ट्रेनिंग ग्राउंड हटाने जैसी 10 मांगे रखी थी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग भी उच्च शिक्षा को लेकर थी। ऐसे विश्वविद्यालय देश में पहले से है, उनमें सभी धर्मों और समुदाय के लोग पढ़ते हैं। वही प्रधानमंत्री मोदी तक ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला उठाया और माहौल तैयार कर लिया। आज जो ये सुनने को आ रहा है, हमारे नेता तो ये कह रहे कि ये सोची समझी एक साजिश थी, इसके बारे में जांच की जाएगी, तो मैं उन नेताओं को कहना चाहता हूँ कि वो हार का ठीकरा जो है, कांग्रेस की हार का ठीकरा मुझ पर फोड़ने का प्रयास ना करें। मैं कार्यकर्ता हूँ और मैं मीडिया के सामने इस बात को रख रहा हूँ कि मेरी कोई सोची समझी कोई इसमें कोई साजिश नहीं थी। मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, मैंने एक सीधी सीधी मांग दी की थी शिक्षा के लिए, और मुझे ये पता नहीं था कि एक शिक्षा की अगर मैं मांग करा तो इतना बड़ा जहर जो है यहाँ पार्टी के अंदर जो है इतना बड़ा जहर घुल जाएगा इसमें, कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया, क्योंकि वो शिक्षा से रिलेटेड मुद्दा है। और मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, मैं समझता हूँ कि हर स्टेट में है, जामिया है, अलीगढ़ है, बनारस में है, हैदराबाद में है, बहुत जगह मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसमें हिंदू के बच्चे पढ़ते हैं, मुसलमान के बच्चे पढ़ते हैं। तो मुझे जो है समझ में नहीं आ रहा कि इसको जो है इतना बड़ा मुद्दा इतना क्यों किया गया। या एक चीज़ और है कि मुसलमान जो है पूरे देश के अंदर मुस्लिम है, क्या उत्तराखंड राज्य में मुसलमान किराए पर रहता है क्या, या मुसलमान को कोई अधिकार नहीं है, लोकतंत्र नहीं है क्या, या लोकतंत्र खत्म है? हर इंसान को, हर व्यक्ति को, इस देश में रहने वाले व्यक्ति को, सबको बोलने का अधिकार है। संविधान है, संविधान ने दिया अधिकार। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में विरोध और इस्तीफे का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी इस अंतर विरोध को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़।
चलिए इस पूरी सियासी उलझन को सुलझन का रूप देने का काम करेंगे, इसको बड़ा अच्छे तरीके से बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, जिसको समझाने के लिए हमारे साथ देहरादून से हमारे स्टेट हेड सुभाष गौड़ साहब जुड़ गए हैं। सुभाष, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी काफ़ी इंतज़ार कर रहे होंगे, कि कांग्रेस में जिस तरीके से सियासी उठापटक चल रही है, हम लोग बात कर रहे थे कुछ दिनों पहले कि समीक्षा का वक्त है, अब समीक्षा नहीं हुई तो अगले साल जो चुनाव आ रहे हैं, मैं पूरे कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, अगले साल छत्तीसगढ़ राजस्थान की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी अगर कांग्रेस गई तो मतलब पूरे देश से कांग्रेस एक तरीके से गई। तो ऐसे में जब हर जगह समीक्षा होनी चाहिए जहां जहां वो हार रही है, तो ऐसे में अगर हम सिर्फ उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि समीक्षा तो दूर की कौड़ी है, लेकिन सबसे जो पास चीज हो रही है वो ये है कि आपस में ही नेता इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मानो चुनाव से पहले ये सब लोग आपस में ही एक दूसरे को हराने की तमाम कोशिशें कर रहे हों। तो अब ऐसे में अकील अहमद साहब भी वही सुर अलाप रहे हैं जो कुछ दिनों पहले हरीश रावत अलाप रहे थे कि पार्टी मुझे निष्कासित कर दे, ये सब क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि अकील अहमद का ये पार्टी से निष्कासन वाला जो जिस तरीके से बयान आ रहा है, ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण घड़ी भी दिखाता है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने ये चुनाव लड़ा है 2022 का उत्तराखंड में, उसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा, और यही वजह है कि मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र थे उन सीटों पर भी जो हिंदू वोटर्स थे उन्होंने जमकर वोटिंग की, केवल इस वजह से कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में कांग्रेस खोलने जा रही है, और इसी का कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को भी मिला और बड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। लेकिन ये बयान जो दिया गया था वो अकील अहमद के द्वारा दिया गया था, और यही वजह है कि इस बयान को एक तरीके से सोशल मीडिया के जरिए खूब वायरल किया गया और खूब इस पर मीम्स भी बनाए गए, और यही वजह था कि सोशल मीडिया की जो कहा जा रहा था कि इस बार जो चुनाव है वो सोशल मीडिया के जरिए होगा, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने करके भी दिखाया, और इसी वजह से तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता थे या फिर कहा जा सकता है कांग्रेस के पदाधिकारी भी थे, वो कहीं ना कहीं अकील अहमद के नाम को लेकर ये कह रहे थे कि शायद वो अगर इस तरीके का बयान नहीं देते तो हमारी उत्तराखंड में इस तरीके की स्थिति भी नहीं होती, और यही वजह है कि अकील के अहमद लगातार बड़े नेताओं से इस बात को सुन रहे थे, नाराजगी बड़े नेता उनसे करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि चुनाव से ठीक पहले उनको प्रदेश उपाध्यक्ष जरूर बनाया गया था, लेकिन जैसे ही उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया उसके बाद उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, इस तरीके का बयान वो देते हुए नजर आ रहा, उसका बड़ा खामियाजा उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ा, और यही वजह है कि आज उन्होंने ये कहा कि यदि मुझसे इतनी ही दिक्कत है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले मेरे बयान से इतनी ही दिक्कत है, तो मुझे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, क्योंकि तमाम जिस तरीके से बड़े नेता उनको आए दिनों बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही वजह है कि संगठन कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस का, और इसके साथ ही अब बैठकों का दौर जरूर कांग्रेस में शुरू हो रहा है, कल यानी कि समीक्षा बैठक की जाएगी कि आखिरकार क्या गलती रही, क्या वजह रही कांग्रेस को 2022 का विधानसभा चुनाव भी हारना पड़ा। हालांकि पहले चरण में कल पौड़ी लोकसभा सीट और अल्मोड़ा लोकसभा सीट की जितनी भी विधानसभाएं सीटें हैं उन सीटों को समीक्षा बैठक की जाएगी, उन सीटों पर ये देखा जाएगा कि आखिरकार किस वजह से इन सीटों पर जो जनता है उन्होंने कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया, और इसके साथ ही परसों अन्य जो सीटें हैं, चाहे वो टिहरी लोकसभा सीट हो, हरिद्वार लोकसभा सीट हो या फिर नैनीताल लोकसभा सीट हो, इन सीटों की तमाम जो विधानसभाएं उन विधानसभाओं की समीक्षा बैठक कांग्रेस करेगी। लेकिन बैठक से पहले भी तमाम जो बड़े नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं चुनाव में अपनी हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अकील अहमद ने मीडिया के जरिए कहा है कि उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए, तो ये भी कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि गुटबाजी का शिकार वो होते हुए नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि बड़ा खामियाजा कांग्रेस को चुनाव खत्म होने के बाद भी देखने को नजर आ रहा है, और कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो कहीं ना कहीं गुटबाजी के चलते पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, और नाराजगी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी कि जो छोटे नेता थे उनसे लेकर जो बड़े नेता हैं तमाम जो पदाधिकारी वो सब कहीं ना कहीं खफा नजर आ रहे हैं और इस्तीफा देने की या पार्टी से निकालने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और आज की खबर पर मेरे दो सवाल हैं सिर्फ सुभाष जी। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि जिस तरीके से अकील अहमद साहब आप कह रहे हैं कि शिक्षा रूपी प्लास्टर लगाने का काम कर रहे हैं, कि बोल दिया था लेकिन ये प्रोग्रेसिव सोच थी कि शिक्षा देनी है इसलिए हमने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र दरअसल जानबूझकर किया गया था ताकि चुनावी लाभ लिया जा सके? बिल्कुल, क्योंकि वो जिस क्षेत्र आते हैं और जिस विधानसभा
सीट पर उन्होंने ये बात की, तो मैंने पहले ही कहा ना कि उस सीट पर मुस्लिम बाहुल के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा थे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, और उन लोगों को लुभाने के लिए, उन लोगों के बीच में वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी की गई थी, लेकिन उनको नहीं पता था कि इसका स्तर इतना बढ़ जाएगा। और ये जो पूरा मुद्दा था ये दरअसल बैकफायर कर गया। सुभाष जी एक और सवाल है, जल्दी से खत्म करेंगे इसको भी। ये सवाल ये है कि जिस तरीके से पिछले दिनों से लगातार हम देख रहे हैं, जैसे ही चुनाव खत्म हुए हैं, हर नेता, अमूमन हर नेता जो चेहरा है वो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगातार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जहां समीक्षा होनी थी, जहां पार्टी को एकजुट होना था, मजबूती के साथ संगठन को आगे बढ़ना था, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कितना भी। अब दर्शक ये जानना चाहेंगे कि कितना भी जो दिल्ली का आलाकमान है, जो हाईकमांड है, वो कितना भी बात को सुलटा ले, मसले को समाप्त कर दे, लेकिन जो बात अब सार्वजनिक हो गई है बाहर कि इनका इनसे नहीं बनता, इनका इनसे नहीं बनता, और कई बड़े नेता हैं जिनका आपस में ही नहीं बनता, तो संगठन उत्तराखंड में क्या भविष्य तय कर रहा है? बिल्कुल, अभी ये कहा जा सकता है कि क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष था उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा जरूर दे दिया है, और यही वजह है कि अब पूरी तरीके से संगठन बिखरा हुआ कांग्रेस का नजर आ रहा है, और बड़ी जिम्मेदारी हाईकमान के पास है कि किस तरीके से न केवल उत्तराखंड में बल्कि तमाम जितने भी राज्य हैं जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है या फिर हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है, उन सभी राज्यों में संगठन को मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के पास है, और उसको कहीं ना कहीं हाईकमान अब करता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से कल मंथन के दौर शुरू हो रहे हैं और पहली बैठक कल राजधानी देहरादून में आहूत की गई है, तो ये कहा जा सकता है कि जरूर अब मंथन किया जाएगा कि इन वजहों से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और क्या बड़ी वजह रही कि कांग्रेस फिर एक बार सत्ता से दूर हो गई है, और किन किन विधानसभाओं में किस तरीके की स्थिति बनी, इन तमाम चीजों पर मंथन का दौर शुरू हो गया, लेकिन अब जरूरत है कि कांग्रेस को एक तरीके से मजबूत उत्तराखंड में करने की, क्योंकि वोट शेयर भी कांग्रेस का बहुत कम होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं आगामी समय में लोकसभा के चुनाव भी उत्तराखंड में है 2024 में, और कांग्रेस नहीं चाहती कि कांग्रेस को फिर से एक बड़ा खामियाजा लोकसभा के चुनाव में भी भुगतना पड़े। जी जी बिल्कुल, और एक और चीज जानते हुए चलेंगे, अकील अहमद साहब ने कह तो दिया है कि पार्टी मुझको निष्कासित कर दे और ऐसा ही लगता है, लेकिन ये भी बात स्पष्ट है कि चाहे कांग्रेस पार्टी ऐसा सोच रही हो या ना सोच रही हो, लेकिन अगर हम राजनीतिक पंडितों से बात करते हैं तो वो लोग सीधे तौर पर कहते हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली जो बात थी उसने नुकसान बहुत हद तक पहुंचाया कांग्रेस को उत्तराखंड में। अब जब अकील अहमद कह रहे हैं कि अगर नुकसान पहुंचाया तो मुझे निष्कासित कर दे, तो आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला अकील अहमद के साथ? खुद इस्तीफा देंगे एक वक्त आने पर नैतिकता के आधार पर, या फिर पार्टी भी कोई एक्शन ले सकती है? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि अभी कांग्रेस की स्थिति वो नहीं है कि वो कोई बड़े एक्शन ले, कांग्रेस की स्थिति ये भी नहीं है कि शायद उनके इस्तीफे से कोई फर्क पड़ पाए, लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी को मजबूत करना भी जरूरी है, पार्टी को एकजुट करना बहुत जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आखिरकार क्या वो मुख्य वजह रही, क्योंकि पहाड़ों में मुस्लिम यूनिवर्सिटी उतना एफर्ट नहीं करती है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पहाड़ की तमाम सीटों पर हारती भी नजर आई, आखिरकार जनता को कांग्रेस पर भरोसा क्यों नहीं है, इस पर मंथन करने की जरूरत है, और शायद इसी दौर पर कांग्रेस बढ़ती भी नजर आ रही है, और मंथन के दौर की जो बैठकें हैं वो भी शुरू होने वाली हैं, लेकिन जिस तरीके से अकील अहमद के बयान आ रहे हैं, हरीश रावत के बयान आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे प्रीतम सिंह के बयान आ रहे हैं, उसके साथ ही सल्टे से प्रत्याशी राय रंजीत रावत के बयान आ रहे हैं, तो कहा जा सकता है इन बड़े नेताओं के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं पार्टी एक तरफ फिर से एकजुट होने की जगह एक दूसरे पर प्रत्यारोप करते हुए, जहां हार के बाद पूरे संगठन को एक साथ आना चाहिए था, वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार देखा जा सकता है, और सार्वजनिक रूप से बयान भी कहीं ना कहीं पार्टी को चोट पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया शानदार तरीके से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए सुभाष जी।